क्या आप भी पेटीएम यूजर हैं? अगर हाँ तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में पेटीएम पर से आरबीआई के बैन को हटाने का रास्ता निकल आया है। आपको बता दें, बीते 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इसने बैंक से कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग्स, एनसीएमसी कार्ड में डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन, प्रीपेड और टॉपअप को रोकने के लिए कहा है। इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी नया ग्राहक बनाने पर बैन लगाया गया है। हालांकि इसके बाद पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मामले को जल्द सुलझा लेने का आश्वासन भी दिया था। दरअसल संकट में घिरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस बीच देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से भी मिले हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तमाम सर्विसेज पर बैन लगा दिया है। साथ ही 1 मार्च से वो नए डिपॉजिट्स भी नहीं ले पाएगा। विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की और वो आरबीआई के बैन से उपजे हालात के समाधान को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करके उन्होंने अपनी परिस्थिति को साफ किया। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑफिसर्स की एक टीम ने आरबीआई के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑफिसर्स और आरबीआई के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद करोड़ों ग्राहकों के खाते को माइग्रेट कैसे किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के कस्टमर्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या डिजिटल पेमेंट सर्विस पर माइग्रेट किया जा सकता है। अब इसी बीच ईडी और फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू ने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में रिपोर्ट मांगी है। ईडी और एफआईयू ने आरबीआई से कहा कि जिन वजहों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को खातों में नए डिपॉजिट या टॉपअप करने से रोका गया है, उस पर आरबीआई अपनी रिपोर्ट उनके साथ शेयर कर दे। अब पीटीआई की खबर के मुताबिक ईडी ने आरबीआई से उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर करने को कहा है, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि क्या उसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जांच शुरू करने की जरूरत है या नहीं। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी मूल कंपनी यानी कि जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा तथा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या विदेशी विनिमय नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच भी की जा रही है। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद कस्टमर्स के अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग और दूसरे डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार करने पर बैन लगा दिया है। तो अब सीईओ का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उन्होंने कोई भी नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया। और इधर ईडी ने भी आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े सारे मामलों पर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना है कि क्या सही मायनों में 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े सारे सर्विसेज बंद हो जाएंगे। बाकी इस खबर पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल।